हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस ग्रुप। तो आज हम बात करेंगे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। यहाँ पर से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड कैपेबिलिटी, तो USDA यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स के अनुसार लैंड कैपेबिलिटी को मुख्यतः दो भागों में क्लासीफाइड किया गया था। यदि हम बात करें तो लैंड कैपेबिलिटी को 8 भागों में क्लासीफाइड किया गया था, जिसमें फर्स्ट के 4 पार्ट किए गए थे और सेकंड के 4 पार्ट। उसको मुख्य रूप से दो भागों में क्लासिफाइड किया गया था, सूटेबल फॉर कल्टीवेशंस के अकॉर्डिंग और सूटेबल नॉट फॉर कल्टीवेशंस। जिसमें कल्टीवेशन किया जाता है और जिसके अंतर्गत कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, उन सभी का कॉम्बिनेशंस के रूप में देखें तो USDA यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार उसको 8 क्लास में डिवाइड किया गया था। तो देखिए, लैंड सूटेबल फॉर कल्टीवेशंस के थ्रू देखते हैं, लैंड सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जिसमें क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जा सकता है। और एक बेस पर यह भी किया गया था, लैंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जिस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। इसमें जो क्लासिफाइड किया गया था लैंड सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, वह किस बेस पर किया गया था, वहाँ का सॉयल का स्ट्रक्चर क्या है, सॉयल टेक्सचर कैसा है और डेप्थ ऑफ सॉयल कैसा है, ड्रेनेज फैसिलिटीज क्या है, इरोजन और सॉयल का स्लोप कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है और क्लाइमेटिक वेरिएशंस के थ्रू, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लैंड सूटेबल फॉर कल्टीवेशंस को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया था, यानी कि 4 वर्ग में। फर्स्ट की बात करेंगे क्लास वन, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ। उसी प्रकार लैंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन में भी दो भागों में इसको 4 ग्रुप में बांटा गया था, लेकिन 4 ग्रुप में फिर डिवाइड किया गया था। तो इसमें हम बात करेंगे सूटेबल फॉर पास्चर एंड ग्रेजिंग, यानी कि सूटेबल फॉर पास्चर एंड ग्रेजिंग पर्पज के थ्रू। और सेकेंड हम बात करेंगे सूटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वाटर शेड। ठीक है, तो सूटेबल फॉर पास्चर एंड ग्रेजिंग पर्पज के थ्रू उसको 3 क्लास, क्लास फिफ्थ, क्लास सिक्स, क्लास सेवन और आपका एक क्लास इसमें बना है क्लास एट। ठीक है, तो लैंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन में मुख्य रूप से देखिए तो 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया था। जो दोनों ग्रुप बांटा गया है वह लैंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशंस के थ्रू ही बांटा गया है, जिसमें सूटेबल फॉर पास्चर एंड ग्रेजिंग पर्पज के थ्रू 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया था, एंड सूटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू 1 भाग में, यानी 8वां क्लास को क्लासिफाइड किया गया था। तो जो फर्स्ट क्लास था यह क्या था, वेरी गुड लैंड था, वेरी गुड लैंड, यानी कि जो क्लास फर्स्ट था उसमें कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था और इसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं था। तो क्लास फर्स्ट कैसा था, वेरी गुड लैंड। फिर इसके बाद आता है आपका गुड लैंड, फिर उसके बाद आता है मॉडरेटली, मॉडरेटली गुड लैंड। ठीक है, और
आता है आपका फेयरली, गुडलैंड, ठीक है। और जो वेरी गुडलैंड यानी जो अच्छी प्रकार की मृदा थी यानी कि जो भूमि थी उसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं था, नो लिमिटेशन। इसमें क्या था कि माइनर लिमिटेशन यानी कि जो सेकेंड क्लास था उसमें लिमिटेशन था, कुछ लिमिटेशंस था, उन लिमिटेशंस को पूर्ण करने के बाद ही उसमें कल्टीवेशन किया जा सकता था। लेकिन जो क्लास फर्स्ट था उसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं किया जाता था, इसमें किसी भी प्रकार के क्रॉप को आसानी से ग्रो किया जाता था अर्थात कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे माइनर लिमिटेशन। ठीक है, फिर जो क्लास थर्ड था इसमें मेजर लिमिटेशन। और जो क्लास फोर्थ था इसमें क्या था, मेजर लिमिटेशन ओकेशनल क्रॉप। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो कल्टीवेशन लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन में क्लास फोर्थ था उसमें मेजर लिमिटेशन तो किया जा सकता था लेकिन उसके साथ साथ कुछ गिने चुने ही क्रॉप को भी कल्टीवेशन किया जाता था। अर्थात इसमें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा था, उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ही आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन सुटेबल फॉर या तो लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के थ्रू ही बांटा गया है जिसमें क्या होता है कि वह ग्रेजिंग पर्पज के लिए अच्छा होता है। तो ग्रेजिंग पर्पज पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पास्चर एंड ग्रेजिंग पर्पज के लिए, ठीक है, जो फिफ्थ ग्रुप सिक्स और सेवन था उसमें भी लिमिटेशन किया गया है कि जो क्लास फिफ्थ था उसमें पास्चर एंड ग्रेजिंग पर्पज तो अच्छा होगा यानी कि इसमें लिखेंगे नो लिमिटेशन। ठीक है, इसमें क्या था माइनर लिमिटेशन ठीक है, इसमें आपका था मेजर लिमिटेशन। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का आप पार्शियल और ग्रेडिंग पर्पज भी नहीं कर सकते थे। तो यह USDA मैंने बताया USDA यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू उसको लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफाइड किया गया था जिसमें मैंने बताया क्लास लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के थ्रू, लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन में चार क्लास और लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन में भी चार क्लास थे जिसमें थ्री क्लास जो थे पार्शियल एंड ग्रेजिंग पर्पज के लिए अच्छे थे और एक लास्ट वाला जो क्लास था आठवां वो वाइल्ड लाइफ एंड वाटर सेट के लिए अच्छा था। अर्थात इसमें क्या करते हैं कि पास्चर और ग्रेजिंग पर्पज कुछ भी नहीं किया जा सकता था। ठीक है, और यदि हम स्लोप की बात करें मैप स्लोप तो जो क्लास फर्स्ट था इसके लिए ग्रीन कलर को शो किया जाता था स्वयं ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड के लिए येलो। ठीक है, इसके लिए आपका ब्राउन शो किया गया था। ठीक है, यहाँ पर पिंक किया गया था। ठीक है, जो फिफ्थ था यानी कि पांचवा क्लास था वहाँ पर आपका डार्क ग्रे और ऑरेंज कलर और इसके लिए रेड कलर, इसके लिए पर्पल कलर। ठीक है, और स्लोप यानी कि सॉइल स्लोप किस बेस पर क्लासिफाई किया गया था तो इसके लिए सॉइल स्लोप जो था 0 से 1% होना चाहिए, 1 से 3%, 3 से 5%। ठीक है, और जो पांचवा था पांचवा कहीं लिखे हैं दोस्त तो यहीं पर हम लिख देते हैं, इसके लिए 5 से 8% सॉइल स्लोप होनी चाहिए। फिर इसके लिए आपका था 8 से 12%,
फिर इसके लिए था आपका 12 से 18%, इसके लिए था 18 से 25% सवाल स्लो, और इसके लिए मोर देन 25%। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो आप कैसे लर्न करेंगे, हम इजीली लैंग्वेज में आपको फिर से समझा दे रहे हैं दोस्त, कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ यह है कि लैंड की कैपेबिलिटी यानी उसकी क्षमता के अनुसार उसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया था। तो मुख्य रूप से हम बात करेंगे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन तो दो भागों में क्लासिफाइड किया गया था। फर्स्ट की हम बात करेंगे तो लैंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन पर्पज के थ्रू एंड लैंड सुटेबल नॉट फॉर कल्टिवेशन, जिस पर कल्टिवेशन किया जा सकता है और जिस पर कल्टिवेशन नहीं किया जा सकता था, उन दोनों को चार चार भागों में बांटा गया था, जिसमें मैंने बताया कि लैंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन को चार भागों में क्लासिफाइड किया था, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ। जो क्लास वन था वेरी गुड लैंड था, फिर गुड लैंड था, मॉडरेटली गुड लैंड था, फेयरली गुड लैंड था। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो क्लास फर्स्ट था उसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं था, उसमें आप ऑलरेडी किसी भी क्रॉप को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और लेकिन जो सेकेंड ग्रुप था उसमें किसी माइनर लिमिटेशन था, थोड़ा बहुत लिमिटेशन था, लेकिन थर्ड में आते ही मेजर लिमिटेशन हो गया, और फोर्थ में जितनी जितनी मतलब क्लास की संख्या बढ़ती जाएगी आगे उसमें लिमिटेशंस की संख्या यानी लिमिटेशन बढ़ता जाएगा। तो चौथा जो क्लास था उसमें मेजर लिमिटेशन, उसके साथ ही साथ कुछ गिने चुने ही क्रॉप को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया था कि लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें तो किसी भी प्रकार का कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसमें भी चार भाग में फोर क्लास में क्लासीफाइड किया गया। देखिए 5, 6, 7 और 8, जिसमें चार भागों में क्लासीफाइड किया तो गया था, लेकिन 3 वर्ग यानी कि जो क्लास था उसमें पाश्चर एंड ग्रेजिंग पर्पज के लिए ही सूटेबल था। पाश्चर और ग्रेजिंग पर्पज के लिए सूटेबल तो था, फिर भी उसमें लिमिटेशन था। जो क्लास फिफ्थ था उसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं था, उसमें आप आसानी से पाश्चर और ग्रेजिंग पर्पज कर सकते हैं, लेकिन 6 में आते आते कुछ माइनर लिमिटेशन हो गया, फिर 7th में आते आते मेजर लिमिटेशन बन गया, और जो 8वां क्लास था उसमें पाश्चर और ग्रेजिंग पर्पज के लिए भी सूटेबल नहीं था, उसमें आप वाइल्ड लाइफ और वाटर शेड ही कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।